हाथरस, उत्तर प्रदेश, 2 अक्टूबर। नेशनल हॉलिडे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, महात्मा गांधी का जन्मदिन, और इस सब के बीच भारत की एक बेटी ना अपनी जिंदगी में गर्व से देखी जा सकी, ना अपनी मौत में। हर माँ बाप का एक सपना होता है, हर दंपति का एक सपना होता है, हम शादी करेंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, हम बच्चों को अपनी गोद में खिलाएंगे, बच्चे नाना नानी की गोद में खेलेंगे, दादा दादी की गोद में खेलेंगे। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, बालिक हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, उस बच्चे का शरीर अब इतना छोटा सा नहीं रहेगा, अब उसको हवस की आंखों से देखा जाएगा और उसको हवस के घाट उतार दिया जाएगा। इस दिन के लिए एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, इस दिन के लिए वो कपल बच्चे पैदा करते हैं, इस दिन के लिए वो कपल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। एक माँ बाप का ना सबसे बड़ा डर पता है क्या होता है? कि कहीं उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। अपने माँ बाप से पूछ लो। एक पत्नी का सबसे बड़ा डर पता है क्या होता है? कि उसके पति को कुछ ना हो जाए। पर जो उत्तर प्रदेश में दर्शकों हुआ हाथरस में, उसने ना भारत का सर झुकाया है। आप भी उसी भारत में रहते हैं और मैं भी उसी भारत में रहता हूं। पिछले 3-4 दिन में पहले भी जिक्र कर चुका हूं इस इंसिडेंट का, लेकिन आज जब ये पता लगा कि रात के अंधेरे में 2:30 बजे बिना उस बच्चे की फैमिली को उसकी क्रिमेशन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया, तो मैं सोचता हूं कि दुनिया कहां जा रही है। आप अपने पॉलिटिकल गेन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को जब देखते हो और सोचते हो, तो उसमें इतना भी भूल जाते हो कि आप भी किसी के बच्चे हो, आपके भी माँ बाप हैं। अगर आप गुजर जाओगे तो क्या आपके माँ बाप को भी आपको आपके दाह संस्कार से वंचित रखा जाएगा? सोचिएगा, हर कुर्सी पे बैठने वाला हर अधिकारी ये सोचे, हर कुर्सी में बैठने वाला हर वो पॉलिटिशियन ये सोचे, हर कुर्सी में बैठने वाला हर वो डिसीजन मेकर ये सोचे, 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड कड़वे सवाल पूछता था, पूछता है, और ता उम्र पूछता चला जाएगा। अच्छे लगे तो वीडियो शेयर कर देना। खुदा हाफिज़।